100% मैं कह रहा हूँ, नेता दुमुहिया सांप होते हैं, एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहते कुछ है करते कुछ है, आपको भी समझा जाए। अरे हमको भी समझ लीजिए उसी में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की खासियत ये है कि बोलते हैं बेबाक बोलते हैं और कई बार सेल्फ गोल भी करते हैं। अभी पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर के वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चमड़ी उधेड़ते नजर आए थे और वो खुद जो हैं टिकट बेचने के आरोपों से जूझ रहे हैं। गए थे जहूराबाद, वहीं पर पत्रकारों ने जब घेरा तो देखिए उन्होंने नेताओं को कैसे दोमुहा सांप बताया और खुद को भी कहा कि मैं भी दोमुहा सांप। सुनिए जरा। अमृता जी, ये बताएं आपके ऊपर जो है टिकट बेचने का आरोप लगा। एक पार्टी बताइए जो टिकट ना बेचती हो। अच्छा, सही बेचती है। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी नहीं। हम तो वही सवाल जो आपने सवाल किया उसी का उत्तर हम आपसे चाहते हैं। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आपको रिप्लाई करिए बस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सच को न जानना और बिना जाने किसी बात को कह देना। समाजवादी पार्टी ने हमको 12 टिकट दिया था। हमको ये तय हुआ कि सिंबल हमारा होगा, प्रत्याशी उनका होगा। आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे पहले उनके प्रत्याशी तय हुए तो कैसे बार्गेनिंग हो गई? अभी भी आप इसकी तहकीकात करने के लिए अपने चैनल का कोई भी साथी जफराबाद का हो, पता कर लीजिएगा। जफराबाद का विधायक आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलता है। आप पता के लिए बगल के सलीमपुर में, आप यही जहूराबाद, आप यही जहाँ हैं। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं होगा। नहीं, आप यही सुन तो लीजिए। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, नहीं उत्तर सीधा सीधा तो एलिगेशन ये है कि आप टिकट बेचते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए जो कह रहा है आपसे, या तो वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, ज्ञान नहीं है। 18 टिकट की बात करता है, सीट मिली हमको 16 पैसे में बेच दिया। ओम प्रकाश राजभर भी तो चुनौवा लड़ा था, किसको बेच दिया? अरविंद राजभर लड़ा था, किसको बेच दिया? प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंशी लड़ा था, किसको बेच दिया? आप दूर मत जाइए, अपने रसड़ा पता कर लीजिए। पंचर बनाने वाले व्यक्ति जो महेंद्र चौहान था, उसका बाप पंचर बनाता है, अपने जेब से हम लोग पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाए हैं, आप जरा पता कर लीजिए। देखिए यही है ना कि किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर की कसौटी पर खड़ा न उतरे, ठीक है? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आप लोग हो, मेरा ये कहना नहीं कहना नहीं, आप जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, आप ये जो कहेंगे वही हमारे नहीं। अच्छा सवाल है। देखिए, आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, सरकार बनी। नीतीश जी ने कहा घर बैठ जाऊंगा लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करूंगा, सरकार चल रही है। कश्मीर में TDP महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, गठबंधन हुआ। यूपी में आ जाइए, कोई मानने को तैयार नहीं था, ना हम ना यार कि सपा बसपा गठबंधन। देखिए 100% मैं कह रहा हूँ, नेता दुमुहिया सांप होते हैं, एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहते कुछ है करते कुछ है, आपको भी समझा जाए। अरे हमको भी समझ लीजिए उसी में। आपने सुना, ओपी राजभर है, कब क्या बोल देंगे किसी को कुछ पता नहीं। वो राजनीति भी जानते हैं और राजनीति में यू टर्न लेना भी जानते हैं। ढेर सारे उदाहरण गिना गए कब किसने यू टर्न लिया, और उनको जब घेरा गया टिकट बेचने का सवाल हो या फिर दो मुही बातें करने का सवाल हो, तो उन्होंने सबको दो मुहा बता दिया। और खास बात ये रही कि उन्होंने अपने को भी दो मुहा बताने में जरा भी देर नहीं लगाई, जरा भी हिचकिचाए नहीं, बेलाग बोले, यही उनकी खासियत है। बाकी तो अब उन्होंने बता ही दिया है कि वो सब करते हैं जो राजनेता करते हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।